स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा दस का क्विज अभ्यास विषय साइंस का जो कि सप्ताह पच्चीस को और पच्चीस दिसंबर दो हजार इक्कीस को डाला गया है शुरू करते हैं पहला प्रश्न सी ए सी ओ थ्री इज इक्वल टू सी ए प्लस सी ओ टू किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है ये तो हम यहाँ देख रहे हैं एक पदार्थ का अपघटन हो रहा है तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा अपघटन दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है एच टू प्लस सी एल टू बराबर टू एस सी एल यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है तीसरा प्रश्न देखते हैं दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं यह अभिक्रिया है विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर चार है तन्यता किसे कहते हैं धातुओं को मोटा करने की क्षमता को धातुओं को पीट कर छोटा करने की क्षमता को धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को इनमें से कोई नहीं तन्यता तार के रूप में खींचे जाते हैं जो धातु तन्यता गुण कहलाता है ऑप्शन नंबर तीन यहां सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो हम सब जानते हैं सोडियम एक धातु है जो कि सबसे नरम धातु है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर होगा निम्न में से कौन सी अ धातु ताप पर द्रव अवस्था में होती है अ धातु पूछा है यहां पर तो यहाँ ब्रोमीन सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन अगला प्रश्न है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है तो हम सब जानते हैं ग्रेफाइट अप्रूप विद्युत का सुचालक होता है तो यहाँ ऑप्शन नंबर दो सही उत्तर है अगला प्रश्न है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं खाली जगह कहलाते हैं तो खाली जगह में यहाँ आएगा जैव प्रक्रम ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा इस तरह से ये विज्ञान विषय की कक्षा दस की अभ्यास कंप्लीट होता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब की शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए